हेलो स्टूडेंट्स, 4 अगस्त 2024 यानी कि आज जो RCET का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो 35 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले, उन सभी 35 क्वेश्चंस के राइट आंसर के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास में है बी सीरीज की बुकलेट है, तो आपके पास में इसके अलावा ए या सी डी भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके जो सीरीज है यानी कि उनकी जो क्रम संख्या है वो आगे पीछे हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पास बुकलेट रखिए या आपके पास में जो आंसर की है वो अपने पास में रखिए, तो आप उनके साथ भी मैच करके पता कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लेना, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो बी सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है, विंडो 10 में जो बैकग्राउंड स्क्रीन उसको क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहते हैं। यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका बी आंसर है, जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो, किसी क्या सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है उसको अपने क्या कहलाते हैं, FNQ। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, MS Word किससे रिलेटेड होता है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, MS Excel किससे रिलेटेड होता है, शीट से रिलेटेड होता है, और MS PowerPoint स्लाइड से रिलेटेड होता है। तो यानी कि फर्स्ट का रह जाएगा R, सेकंड का रह जाएगा Q और थर्ड का रह जाएगा P। तो यानी कि तीन नंबर यानी कि सी ऑप्शन है वो तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार, आप MS फाइल को दस्तावेज PDF फाइल में कैसे अपने उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं। तो जब भी अपने किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसे मान लिया आपने वर्ड ओपन करा है तो आप बाय डिफॉल्ट कंट्रोल एस करोगे तो वो डॉक्यूमेंट में सेव होता है, एक्सेल है तो वो एक्सेल की फाइल में सेव होता है। अगर आप अपने किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर उसको सेव करना चाहते हैं तो अपने को सहारा लेना पड़ता है सेव एज ऑप्शन का, और सेव एज के अंदर अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ पर अपने PDF को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि चार नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर पाँच, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है, तो रिसाइकिल बिन का कार्य होता है भी अगर अपन उन्होंने सीधा डिलीट बटन से अगर किसी फाइल को डिलीट करी है तो वो अपने पास में हटाई गई फाइल को संग्रहित करता है। यानी कि पांच नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है कि किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना होता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र का एक वैध उदाहरण नहीं है, यानी कि एक वैलिड उदाहरण नहीं है, तो एडोबी एक्रोबेट है वो ब्राउजर नहीं होता है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स वो भी एक ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज वो भी एक ब्राउजर होता है। तो सात नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में PNR का क्या काम है, यानी कि PNR का फुल फॉर्म क्या है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो आठ नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडो 9 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 10, स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यस्त किया जा सकता है, तो स्प्रेडशीट मतलब किसे, एक्सेल से रिलेटेड, और एक्सेल के अंदर दो ही चीज होती है, रो और कॉलम, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। डॉट मैट्रिक्स किससे रिलेटेड होता है, प्रिंटर से रिलेटेड होता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है, यानी कि विच दी फॉलोइंग दी अरेंजमेंट इज दी करेक्टली प्लेस इन दी असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब किससे रिलेटेड हो जाएगा, एक ऑप्शन राइट से इसके अंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, MS Word में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा जो वर्डिंग है सी ऑप्शन कौन से सही नहीं है, तो हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज लिंक के बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि कंप्यूटर पे किसी दम मौजूद फाइल के लिए, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टाइप करके बनाया जा सकता है, यह सही है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक करने के शॉर्टकट कंट्रोल के ये भी सही है, इस दस्तावेज में रखे विकल्प को उपयोग वर्तमान दस्तावेज में किसी एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि ए ऑप्शन है वो कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी हाइपरलिंक का उपयोग मौजूदा वेब पेज के लिए बनाया जाता है न कि कंप्यूटर की मौजूदा फाइल के लिए, तो मौजूदा फाइल के लिए भी हाइपरलिंक बनता है, तो ए ऑप्शन इसका सही कथन नहीं है। तो 13 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर है। USB का क्या तात्पर्य है, USB मतलब एक स्टोरेज के लिए काम आती है, तो एक भंडारण उपकरण है। 18 नंबर, एक वेबसाइट का संग्रह क्या रहता है, वेब पेज एक वेबसाइटों का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक
विशेष दृष्टि एक सर्वे प्रभाव के पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि आप आगे ए स्पेशल विजुअल्स एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाई टू पावर पॉइंट टेक्स्ट और कंटेंट, किसके लिए किया जा सकता है, एनिमेशन टेक्स्ट रेफ मेल मर्स या प्रियो, तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, तो हॉटमेल एक ईमेल है, जीमेल भी एक ईमेल है, आउटलुक भी एक ईमेल है, तो बिंग इसका यानी कि 17 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं, कोई आपकी फाइल पासवर्ड आदि को चुरा नहीं सकता, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना होता है, बाहर जाने के लिए पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, वर्तमान दृष्टि सहेजने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। देखो लॉग ऑफ और लॉग इन का मतलब हो गया आप उसके अंदर, लॉग ऑफ का आउट होने का मतलब हो गया कि आपके सिस्टम के अंदर कोई दूसरा बंदा बिना पासवर्ड के उसके अंदर जा नहीं सकता, तो इसका मतलब आपकी कोई जो फाइलें वगैरह पासवर्ड वगैरह इसके अंदर अगर आपने कोई सेव कर रखे हैं तो वो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने पासवर्ड अगर मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दिया, अगर आपने इसको लॉक खोल दिया तो सिस्टम के अंदर आपके मोबाइल के डिवाइस के अंदर जो भी फाइलें हैं कोई भी उसको देख सकते हैं, जैसे ही आपने इसको लॉक कर दिया तो लॉक करने के बाद जब तक उसके अंदर पासवर्ड नहीं लगता तब तक आपकी फाइलें अंदर सेफ रहती है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही राइट आंसर इसका रही है। देखिए वर्तमान दृष्टि सहेजने के लिए आप करना सहेजने के लिए काम नहीं करने का होता है, सेव करना के लिए जरूरी होता है, और लॉग ऑफ करने का मतलब होता है कि आप उसको शट डाउन नहीं कर रहे, आप लॉग ऑफ कर रहे हो ताकि उसके बाद जब भी आप उसको ऑन करोगे तो वो पासवर्ड के बिना लॉग इन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह के साधन प्रदान करने के लिए निवासियों के सशक्त बनाने के लिए एक अपने ई गवर्नमेंट की परियोजना क्या है, राजस्थान संपर्क। क्वेश्चन नंबर 20, आधार के संबंध में निम्नलिखित में कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, तो ये सही नहीं है। आपके फोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि नक्शे में नेविगेशन पर आप कहें तो GPS। क्वेश्चन नंबर 22, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है, तो 22 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है, तो कैश मेमोरी की जो क्षमता होती है वो एक लिमिट होती है, तो 23 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, MS Word 2010 में कौन सा एक अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति बाएं और दाएं हाशिए के बीच में संरिक्त करता है, बाएं और दाएं दोनों किनारों को सीधा बिल्कुल सीधे किनारे पर रखता है, तो उसको बोलते हैं अपने जस्टिफाई, तो 24 नंबर का बी ऑप्शन राइट है। MS Word गटर किससे संबंधित है, मार्जिन से संबंधित है। कंप्यूटर का वह भाग जो कार्यों को समन्वय करता है, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों को समन्वय करता है कहलाता है ऑर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 27, संक्षिप्त रूप से GBPS का पूरा नाम क्या रहेगा, गीगाबाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किसकी भंडारण संख्या सबसे कम होती है, तो कम होने का मतलब आता है जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके सबसे कम होती है। और 29 नंबर, MS Word पावर पॉइंट हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी को उपयोग करके और वर्तमान कुंजी को उपयोग करके कर सकते हैं, F5 और Shift F5 के साथ अपने स्टार्टिंग से और प्रेजेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मान लीजिए आप एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS Excel 2010 में वर्कशीट में किसी पेज की चौड़ाई हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो, तो अपने किसका उपयोग कर सकते हैं, या अपने एक पेज को पर्टिकुलर फिट कर सकते हैं ताकि हमारा पेज बिल्कुल सही आए, कि कोई भी उसकी रो या कोई भी कॉलम उसका पेज से मार्जिन से बाहर ना जाए। क्वेश्चन नंबर 31, कीबोर्ड पर फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। क्वेश्चन नंबर 32, MS PowerPoint में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होता है, तो स्लाइड शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 33, Amazon.com प्रदान क्या करता है, भी बिजनेस टू कस्टमर के लिए यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 34 नंबर, MS Excel 2010 में चार्ट में बिंदुओं का मालूम क्या होता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, डेटा लेबल। बार कोड रीडर किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का। तो ये थे आज यानी कि 4 अगस्त वाले RCET एग्जाम के अंदर 35 क्वेश्चन।